Good morning, students. Hope you all are safe at home. Today we are going to read next lesson, lesson number 9. Topic is soil. Soil, it means mitti. What is soil? First is what is soil? Soil kya hai? Soil is very important natural resource. It forms the topmost layer of the land surface. Soil is important, very important natural रिसोर्स. आप सब जानते हैं मिट्टी जो है नेचुरल रिसोर्स है और ये लैंड सरफेस की टॉप मोस्ट लेयर के रूप में फॉर्म होती है. सोइल टेक्स थाउजेंड्स समटाइम्स मिलियंस ऑफ इयर्स टू फॉर्म. इट इज फॉर्म बाय द वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड बाय द एक्शन ऑफ विंड वाटर एंड क्लाइमेट. सोइल जो है उसको थाउजेंड समटाइम्स मिलियंस इयर्स लग जाते हैं उसको फॉर्म होने में. और वो किस रूप में होती है? इट इज फॉर्म बाय द वेदरिंग ऑफ रॉक्स, चट्टानों के वेदरिंग से यानी अपक्षय से, चट्टानों के टूटने से सोइल को सोइल के रूप में फॉर्म होती है. बाय द एक्शन ऑफ विंड, हवा के द्वारा, वाटर एंड क्लाइमेट, पानी और जलवायु के द्वारा. इट इज कंपोज ऑफ मिनरल्स एंड पार्टली डिकम्पोज पार्शली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर. Type of soil depends on the rock from which it is formed and the kind of vegetation that grows in it. जो various soil का जो type है वो vegetation पर depend होता है. किस तरह की vegetation है वहां पर grow हो रही है, उस type किस type की soil में वो grow हो रही है. Functions of soil. Soils के functions क्या होते हैं? Soil allows the growth of plants. Soil क्या करती है? Plant को grow में help करती है, growth में help करती है. It supplies water and nutrients that are required in the growth of plants. Plants को nutrients और water की जो requirement होती है वो कहाँ से मिलती है? Soil से. यानी soil जो है वो plant को nutrient और water supply करता है. The soil is the main part of agriculture. सोइल एग्रीकल्चर का मेन पार्ट है. सोइल के बिना एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोइल सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप. अलग अलग तरह की प्रकार की जो सोइल होती है वो अलग अलग तरह की क्रॉप्स पर उस पर डिपेंड होती है. विदाउट एग्रीकल्चर फूड शेल्टर एंड क्लोथिंग का नॉट पॉसिबल. विदाउट एग्रीकल्चर यानी एग्रीकल्चर के बिना फूड शेल्टर क्लोथ जो व्यक्त है वो सब पॉसिबल नहीं है. मेनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव इन द सोइल. काफी प्रकार के छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सूक्ष्म जीव होते हैं वो सोइल में रहते हैं. अंडरग्राउंड वाटर इज यूज फॉर वेरियस पर्पसेस. और सोइल के नीचे अंडरग्राउंड में जो वाटर होता है वो काफी सारे पर्पस सॉल्व करता है. दिस इज फिगर ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ सोइल. मीडियम फॉर प्लांट ग्रोथ, रिसाइक्लिंग सिस्टम फॉर न्यूट्रिएंट्स एंड ऑर्गेनिक पेस्ट, सिस्टम फॉर वाटर सप्लाई एंड प्यूरिफिकेशन, इंजीनियरिंग मीडियम, हैबिटेट फॉर सोइल ऑर्गेनिक्स. ये सब सोइल के इम्पोर्टेंस हैं. नेक्स्ट इज वॉट पॉल्यूट्स द सोइल. सोइल को पॉल्यूट कौन करता है यानी सोइल पॉल्यूट कैसे होती है? डंपिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस. नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस जब उसमें सोइल में डंप कर दिए जाते हैं सच एज प्लास्टिक बैग्स. जैसे आजकल आपने बहुत सुना होगा कि प्लास्टिक बैग्स को बैन कर दिया गया इसीलिए क्योंकि प्लास्टिक बैग्स को हम कहीं भी थ्रो कर देते हैं और वो जाके सोइल को पॉल्यूट करते हैं. एंड पॉलीथीन कॉजेस सोइल पॉल्यूशन. जो पॉलीथीन बैग्स होती है प्लास्टिक बैग्स होते हैं ये सोइल पॉल्यूशन का मेन कॉज है यानी मेन कारण है. वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडस्ट्रीज विच कंटेन केमिकल्स कैन अफेक्ट द सोइल एडवर्सली. और उसके अलावा वेस्ट प्रोडक्ट्स जो इंडस्ट्रीज से बाहर आते हैं वो भी उसके अंदर केमिकल्स होते हैं और वो
करना जो है वो भी सोयल की फर्टिलिटी को डिक्रीज करना यानी कम करता है। देयरफॉर बिफोर डंपिंग एनीथिंग वेस्ट इनटू द सोयल इट मस्ट बी ट्रीटेड प्रॉपर्ली। कभी भी वेस्ट मटेरियल को डंपिंग करने से पहले उसको प्रॉपर्ली ट्रीट करना चाहिए, यानी उसको पहले उसमें से जो भी एसिडिक नेचर के पदार्थ होते हैं उन सबको नष्ट कर देना चाहिए। पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स शुड बी यूज्ड इन मिनिमम क्वांटिटी। जो हम एग्रीकल्चर में फार्म में पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं वो मिनिमम क्वांटिटी में यूज करना चाहिए। लास्टली मटेरियल्स लाइक प्लास्टिक शुड बी बैन एज वी पोल्यूट द सोइल एंड अफेक्ट द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वे। जो प्लास्टिक मटेरियल होते हैं उनको बिल्कुल टोटली बैन कर देना चाहिए जिससे कि जो सोइल है वो पॉल्यूट ना हो और उससे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी अफेक्ट नहीं हो। व्हाट कॉजेस सोइल पॉल्यूशन? लीव्स एंड ग्रास क्लिपिंग्स, स्विमिंग पूल केमिकल्स। स्विमिंग पूल में जो हम केमिकल यूज करते हैं यानी वॉटर के अंदर क्लोरीन होता है वो भी सोइल को पॉल्यूट करता है। हैजर्ड केमिकल्स जो हानिकारक केमिकल्स है वो सॉप्स एंड डिटर्जेंट्स। आपने देखा होगा जनरली लीवर्स के पास कोई कार वॉशिंग कर रहे होते हैं, कोई बाथरूम धा रहे होते हैं तो वो उसमें सॉप और डिटर्जेंट का यूज होता है, वो भी जब सोइल में मिक्स होता है तो सोइल को पॉल्यूट करता है। ट्रेश एंड लिटर, एनिमल वेस्ट, डर, ऑयल एंड अदर केमिकल फ्रॉम कार्स। जो कार गाड़ियों में ऑयल और अदर मेटेरियल्स यूज किए जाते हैं वो एयर पोल्यूशन फ्रॉम कार्स, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स। जो हम क्रॉप में फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का स्प्रे करते हैं वो सब भी सोइल पॉल्यूशन का मेन कॉज है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। टुमारो वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट टॉपिक कंपोजिशन ऑफ सोइल इन नेक्स्ट वीडियो।